पिछले दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज व कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने दुर्ग के पटेल चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान जलते पुतले को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना झपटी देखी गई। पिछले दिनों कांग्रेसियों द्वारा भिलाई 3 थाना घेराव के दौरान लगभग 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। साथ ही कई कांग्रेसियों पर कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज भी कराई गई। इसके विरोध में दुर्ग के पटेल चौक पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल ने कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा शासन आने के बाद किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इसे छुपाने के लिए लगातार कांग्रेसियों पर कार्रवाई कर ध्यान भटकाया जा रहा है। भाजपा द्वारा किया गया कार्य अशोभनीय है, इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। हम यहाँ पर राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को भंग कर निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार जिस प्रकार 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो आरोप लगाया है, जो धाराएं लगाई है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार किस उद्देश्य में आ चुकी है, क्योंकि 8 माह हो चुके हैं शासन में आए बैठे, लेकिन किसी प्रकार की जनता के लिए कुछ कार्य नहीं कर रही है। इसी को छुपाने के लिए कांग्रेसियों के ऊपर में कुछ ना कुछ ऐसे धारा कानून के वो संरक्षण लेकर कांग्रेसियों के ऊपर में ये गलत काम कर रही है। दिग्गज नेताओं इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कुछ कारण था, रायपुर में मीटिंग भी चल रही है। दूसरा चीज़, हमारे जो बड़े नेता हैं उनका भी कुछ कुछ कार्यक्रम के वजह से वो समय पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि समय एकदम सुनिश्चित और एकदम जल्दी उसमें हुआ, इस वजह से नहीं आ पाई है। ये जो लाठीचार्ज हुआ है, आप पूरा वीडियो देखेंगे कि लाठी किसने चलाया है और दौड़े और मार किसने खाया है, पूरा वीडियो दिखा रहा है और ऊपर आरोप लगता है 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर में, ये सरासर गलत है। एक दिन पूर्व उस पर कार्रवाई जो वीडियो के है वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, चलते रहना चाहिए, ये संविधान का वो है, कानून हक है और उनको भी मिलना चाहिए हक और हमें भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था और ये अभी संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, कार्रवाई हुआ है ना। जब भूपेश बघेल की सरकार जब 5 साल थी, किसी के ऊपर लाठी डंडा कभी नहीं बरसा है। तो BJP सरकार आई है, जब से 8 महीने से हम लोग सब देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चार्ज और केस दर्ज करवा रहे हैं, झूठा केस दर्ज करवा के अंदर करा रहे हैं। बहुत ही गलत बातें हैं इसका। कांग्रेस पार्टी इनका खुल के विरोध कर रही है। आज हम लोग आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए यहाँ पर आज, है ना। अगर इस तरह से अगर होती रहेगी घटना तो पुतला दहन करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।